हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग कहाँ पे आए हैं, किस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं जागमरा भुवनेश्वर में। तो जागमरा में एक है गोदरेज इंटीरियर। तो गोदरेज इंटीरियर के पूरा सामने एक कैफ़े है, वो था बहुत ही हटके, स्कूटर वाला कैफ़े इसका नाम था। और जो चीज़ हटके होता है उसी चीज़ को ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था स्कूटर वाला कैफ़े, और ये था खंडगिरी के ओर से अगर आप आते हो जगमरा रोड देखे तो ये आपको पूरा लेफ्ट साइड में मिलेगा। और इसके पास था एक लक्ष्मी नारायण करके एक ज्वेलरी शॉप था, और ज्वेलरी शॉप के पास ही आपको एक फ़ोन का स्टोर मिलेगा, और उसके साइड में ही उसके बगल वाले स्टोर में मिलेगा आपको स्कूटर वाला कैफ़े। तो इसका नाम जैसे हटके है, इसका स्टोरी भी बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है, जो कि आपको फुल वीडियो देखने में ही पता चल जाएगा। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ एवरीथिंग यू कैन गेट अ हियर, फ्राइड चिकन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, पास्ता, सैंडविचेस, रैप एंड रोल्स, मैगी, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी, स्मूदी, मोजिटो, एवरीथिंग दे हैव। एंड यू कैन ऑल्सो हैव ऑल दोज थिंग्स देयर। स्कूटर वाला कैफे जैसा नाम इनका यूनिक है ना, तो आपको कि यहाँ पे क्या ही मिलता होगा, लेकिन गाइस यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और ये देखिए, इसका फ्रंट व्यू ऐसा ही था, और इवनिंग में यहाँ पे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का भीड़ रहता है, बहुत ही भीड़ रहता है ये जगह। और आप मतलब दिमाग और दिल सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा, बहुत अच्छा प्लेस था ये। तो आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका स्टोरी क्या था, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या खा सकते हैं, इसका मेन्यू क्या है। तो ये कुछ डेकोरेटिव वाइब्स थे यहाँ पे, जो हमने उसका एक छोटा सा शॉट लिया है यहाँ पे। तो गाइस, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है आप सबके अप्रिशिएशन का, तभी जाके मुझे मोटिवेट फील होगा और मैं आगे जाके आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिखाती रहूँगी। क्योंकि वीडियोज़ में व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्रिप्शन में बहुत कमी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड आगे आप इन्जॉय करना मेरे वीडियोज़ को। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इनका स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। तो पहले इनका कैफ़े जो हुआ करता था, एक स्कूटर के ऊपर हुआ करता था। इनके पास तब एक ही स्कूटर था जिसके सहारे उन्होंने कैफ़े खोला था, जो कि एज अ पार्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उनके पास तभी जॉब था। ये लोग जॉब करते थे, लेकिन जॉब इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो ये लोग अभी अपना फुल टाइम कैफ़े खोले हुए हैं यहाँ पर। जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, मेंटली सपोर्ट मिला, तभी तो इसीलिए इसका नाम रहा है स्कूटर वाला कैफ़े। आप लोग भी यहाँ पे आके इनके सफ़र में इनका साथ दीजिए। ये था इनका फ्रंट व्यू, जहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ का मेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप हर कुछ ट्राई कर सकते हो, ग्रिल सैंडविच, चिकन स्ट्रिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज एंड ओरियो सेक, ब्लू मतलब मोजिटो एंड सेक्स एंड सैंडविचेस, बर्गर, पिज़्ज़ा, आप लोग हर चीज़ यहाँ पर खा सकते हो। तो भैया बना रहे थे यहाँ पे कुछ सेक, एंड ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इनके स्टोरी कितना इंस्पिरेशनल है आप सबको पता चल गया होगा। और बहुत ही मेहनत किया है इन दोनों ने, एक कैफ़े को स्कूटर से लेके एक परमानेंट स्टोर तक लाने का जो सफ़र है इनका, वो बहुत ही डेडिकेटली इन्होंने किया है, एंड बहुत ही मेहनत लगा है इसमें। और उनके प्रीवियस कस्टमर से भी उनको बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट मिला है। तो आप लोग भी जाइए, इनके सफ़र में शामिल हुइए एंड उनको मोटिवेट कीजिए, और मज़ेदार एंड हाइजीन एंड क्वालिटी वाला फूड इन्जॉय कीजिए, और रिजनेबल प्राइस में। तो गाइज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि किसी को भी हम लोग ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे पहले हमें उसका बैकग्राउंड स्टोरी जानना चाहिए, कि बैकग्राउंड में उनका कितना हार्ट टचिंग स्टोरी होता होगा, कितने डिफ़िकल्टीज इस स्टोरी में होते होंगे। जैसे कि इनका यहाँ पर इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जो कि मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके भी बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा हो इनके स्टोरी सुन के। और ऐसे लोगों को तो मैं दिल से सल्यूट करना चाहूँगी। तो ये था इनका मेनू बुक स्कूटर वाला कैफ़े का। तो यहाँ पे देखिए कितने वैरायटीज़ हैं, और प्राइस के बारे में तो क्या बोलूँ, आप देख ही सकते हो कि प्राइस इतने रिजनेबल हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। एंड आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी खाना ट्राई कर सकते हो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड वेराइटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। एंड क्वालिटी वाइज इट वॉज़ रियली रियली वेरी गुड, एंड इतना अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट था।
मॉकटेल ऑल्सो यू कैन हैव हियर। अभी उनके ओनर से मिलते हैं और उनके मुंह से उनकी स्टोरी सुनते हैं। तो मैम कब से स्टार्ट हुआ है ये? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ है अगस्त 2021 से, और हम लोग तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे, हम लोग स्कूटर में किए थे। अब तो जॉब तो सोच के स्टार्ट किए थे। तो आप लोग पहले जॉब भी कर रहे थे? हाँ, हम लोग जॉब कर रहे थे। ओके, सोचे कि कुछ नया करते हैं, कुछ चेंजे करते हैं। तो जॉब करने का मतलब किसी के अंडर में मतलब और जॉब सेटिस्फाई शिक्षण के कभी भी नहीं रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ कुछ ट्राई करते हैं। तो आप पहले से ही स्कूटर का जो था भुवनेश्वर में ही था कि कहीं और था? भुवनेश्वर में था, एयरपोर्ट के पीछे। अच्छा, तो अभी ये शॉप लेके ये नया स्टार्ट हुआ है। तो क्या क्या डिशेज यहाँ पे रहता है? यहाँ पे जैसे कि हमारा ग्रिल सैंडविचेस, पास्ता, मैगी, पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन एंड चीज बर्गर, और काफी रिजनेबल प्राइस भी है। हाँ, हमारे ड्रिंक्स में मोइटो, तो ये नया इनिशिएटिव है आप लोगों का, हम बता सकते हैं। तो सर आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, तो आप हस्बैंड वाइफ हो। अच्छा, तो ये कैसा लग रहा है मतलब जॉब छोड़ के नया स्टार्टअप खुद का? पहले तो स्टार्टिंग में मतलब कंफिडेंस नहीं आ रहा था, जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो उधर एयरपोर्ट पे वैसे कंफिडेंस नहीं आ रहा था। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा सीख गया, मतलब थोड़े बड़ा सेल्फ है तो धीरे 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 कॉन्फिडेंस आया। तो और हम लोग अब पुराने कस्टमर हुए तो वो लोग हम लोग को और ज्यादा मतलब इंकरेज किए। अच्छा, धीरे 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 पार्ट टाइम मतलब कोविड आ गया, फिर मतलब हम लोग का ये सब तो बाहर वाला बंद हो गया। तो धीरे धीरे उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम चलता रहे तो हम लोग कुछ अलग करते, मतलब कुछ नया करते। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे यही टाइम में कुछ मतलब जैसे कि अपना एक स्टोर खोले, ये सब ये हमारे पास एक स्कूटी ही था। अच्छा, तो उसी को ये यूज करके हमने ये आइडिया सीखा। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे मतलब ये स्टोर करना प्लान, तो स्टार्टिंग में मतलब वो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। तो धीरे 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 हम लोग का अपडेट हो रहा है, और तो आप मतलब ये सब मेनू वगैरह देखिए तो ठीक ठाक चल रहे हैं। मैम आपका जो बाहुबली सैंडविच के बारे में कुछ बताइए। बाहुबली सैंडविच एक्चुअली हमारा 3 लेयर का होता है, और उसमें क्या रहता है ना, जैसे कि बेस बाहुबली है नॉर्मल बाहुबली, बेस बाहुबली में हमारा सारे वेजिटेबल्स रहता है, कॉर्न रहता है, चीज 4 टाइप्स ऑफ चीज रहता है, लिक्विड चीज, फ्राइज चीज, मोजरेला चीज एंड प्रोसेस चीज एंड मायो एंड पनीर, फ्राइड पनीर, और पूरा फुल पैक रहता है। मतलब वो एक जन नहीं खा पाएगा। और जो नॉनवेज है आमलेट रहता है, चिकन लोडेड पूरा रहता है, और टोटल सब चीज रहता है, और ऊपर भी हम लोग चीज बर्न करते हैं, चीज फायर करके उसके ऊपर ऑरिगानो चिली फ्लेक्स और चटनी का। तो नॉन वेज वाला बाहुबली सैंडविच कितना रहता है और वेज का कितना रहता है? दोनों का प्राइस है 150। तो थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड हम लोग प्रे करेंगे, होप करेंगे कि ये बहुत अच्छा चले आगे भी जाके। तो ये था इनका ये स्कूटी जिससे उन्होंने पहले अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने क्या खाना मंगवाया ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो ये था सैंडविच जो हमने मंगवाया था, और सैंडविच का लुक आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी था, एंड इन्होंने बहुत ही हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही हाइजीन था इनके स्टोर में, कैफे में। था पेरी फेरी फ्रेंच फ्राइज, तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज वॉज ऑल्सो वेरी गुड, एंड उसका बहुत ही क्रंची था एंड बहुत ही टेस्टी था, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो। एंड प्राइस मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस थे एंड बहुत ही हाइजीन है, एंड अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, एंड
पे हमने मंगवाया था वेज बर्गर, तो वेज बर्गर भी बहुत ही, ये आलू टिक्की बर्गर था। आलू टिक्की बर्गर मतलब जहाँ मैंने दूसरी जगह पे जो ट्राई किया है उससे काफ़ी अच्छा ये बर्गर था। इसमें बहुत अच्छे स्टफिंग थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग भी जाइए और ये बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ साथ आप लोग बाहुबली सैंडविच भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ज़्यादा सेल होता है यहाँ पे, वेज नॉन वेज दोनों ही 150 रुपीस में मिलता है, तो आप लोग जाके वो ट्राई कर सकते हैं। एंड ये सारा जो था, ये स्मूदी वगैरह और जो शेक्स वगैरह बनता है उसके लिए ये था। और मतलब मैंने आपको दिखाया कि इतने सारे वेराइटीज़ इनके पास है, तो भर भर के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये थे कस्टमर। आपका नाम बता दीजिए पहले। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हम कभी तो भी आए आते हैं शाम को, तो यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा लगता है। और जो कि बनाते हैं ये लोग सैंडविच वगैरह, छुट्टी बर्गर स्वास्थ्य। यहाँ पे आप लोग कभी कभी इवनिंग में ही आते हो? हाँ, तो क्या क्या ट्राई किया है आज तक? सैंडविच ट्राई किया है, बर्गर, ओरियो शेक। तो सारे ये चीज अच्छे हैं और प्राइसिंग भी बहुत रिजनेबल है। हाँ, प्राइसिंग ठीक ठाक है। हाँ, तो फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ आते हो या फिर अकेले आते हो? फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ आते हैं, कभी कभी अकेले भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काफी अच्छा लगता है आके। ठीक है, थैंक यू। तो ये था वो लोगो जो स्कूटर से इन्होंने स्टार्ट किया था पहले। तो इनका स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल, जैसा मैंने स्टार्टिंग पे बोला था, तो एक स्कूटर में इनका ऐसे ही कुछ सेटअप था पहले। एक मतलब बड़ा सा अम्ब्रेला के नीचे अपने स्कूटर के साथ इन्होंने अपना कैफ़े खोला हुआ था, जो कि एयरपोर्ट के पास था पहले। एंड उसके बाद ये अपना खुद का कैफ़े अभी फुल टाइम करके बना रहे हैं इस स्टोर में। तो प्लीज़ यहाँ पे आइए और इनके सफ़र में इनका साथ दीजिए एंड इनको मोटिवेट कीजिए ज़्यादा। एंड जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके पहले कस्टमर भी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए, तो उसके बाद इन्होंने ये स्टेप लिया आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग भी आइए और अपना प्यार दिखाइए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।